बहादुराबाद में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों के लिए फांसी की मांग को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोशनाबाद पहुंचकर एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रदर्शन करते हुए प्रधानपति और पूर्व बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई गई। उन्होंने एसपी सिटी को ज्ञापन भी दिया। प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं बच्चियों के साथ दुष्कर्म हत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके कारण देवभूमि कलंकित हो रही है। अपराधियों में कानून का डर नहीं है। हमारी मांग लगातार ये है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अंकिता भंडारी वाले मामले में गिरफ्तारी हुए 2.5 साल हो गए, लेकिन आज तक हत्यारों को सजा नहीं है। जब तक अब हम लोगों इन बलात्कारियों को फांसी की सजा नहीं देंगे, तब तक हम कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे और ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी। क्योंकि जब क्रिमिनल लोग किसी पार्टी के लोग होंगे, सरकार उनको बचाने भी लगेगी, तो जो अंकिता भंडारी को आज तक न्याय नहीं मिल पाया, वही इस बच्ची को न्याय नहीं मिल पाएगा। सिर्फ गिरफ्तारियों से कुछ नहीं होगा, हमें जो आरोपी है उनको फांसी के तख्ते पे लटकाना पड़ेगा और तब इस प्रदेश की बेटियों का धन्यवाद। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी बेटी और हरिद्वार ग्रामीण विधायक समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नाबालिग बच्ची के घर पहुंचे। हरीश रावत ने बच्ची की मां से मुलाकात कर उनको सांत्वना दिया, साथ ही उन्होंने हर तरह की सहायता का आश्वासन दिया। इस दौरान हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एहसास हो रहा है कि अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत ही घृणित और नृशंस सुनियोजित षड्यंत्र है, सत्ता द्वारा उनको संरक्षण दिया जा रहा है। अभी तक दुख की बात यह है कि कोई भी सत्ता का जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ आकर के इस महिला से ही नहीं कहा कि माँ तेरी बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं और अपराधियों को दंड देंगे। किसी तरीके की कोई मदद के लिए न प्रशासन का हाथ आगे बढ़ा है, न शासन का हाथ आगे बढ़ा है। कितनी दुख की बात है। जो जिसको लोग मुख्य साजिशकर्ता, जो मैंने लोगों की बातचीत से यहाँ पर ग्रहण किया समझ रहे हैं, उसको बचाने की पूरी कोशिश सत्ता की तरफ से हो रही है, तो ये चीजें बहुत चिंताजनक हैं। देहरादून में बीते गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवती की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या आरोपी कोई और नहीं बल्कि युवती की सगी मां ही निकली, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर युवती की हत्या की और फिर उसे आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया। देहरादून पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले का खुलासा किया। अपनी माँ हरप्रीत और नितिन को ममता ने अपने ही घर में आपत्तिजनक स्थिति में देखा, तो उसने अपने पिता सुखविंदर सिंह के साथ साथ अन्य परिजनों से भी दोनों की सच्चाई बताने की बात कही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर राज्य के सीमांत गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगाए जाने वाले मोबाइल टावर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में लगाए जाने वाले मोबाइल टावर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन फिर भी टावर नहीं लग पाए हैं। उन्होंने इस पर तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध मंत्री सिंधिया से किया। जनपद पिथौरागढ़ के मुनाकोट ब्लॉक के रियांसी गांव में देवभूमि स्वयं सेवक समूह द्वारा आजीविका मिशन के तहत गांव की कई महिलाओं को घर बैठे स्वरोजगार का अवसर दिया जा रहा है। हिसालू किसान कंपनी में अंजीर, चूख, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन आदि का अचार और पहाड़ी ब्रांस के फूलों से जूस बनाया जा रहा है। हिसालू कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हेमलता ओली ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मिशन के तहत हम बेरोजगार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। 90% महिला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमें ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि हम उनके लिए काम कर पा रहे हैं। हम मेरी यहाँ पर सभी से ये गुजारिश है, मैं हमें अभी सपोर्ट की आवश्यकता है। वैसे तो हम लोग ये प्रोग्राम चल रहा है, पर हमारी सोच ये है कि हम महिलाओं को, जितनी किसान महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं पहले, उनको हम थोड़ा अच्छा बेनिफिट दिलवा सकें, उनकी आजीविका सुधार कर सकें, जिसके लिए कई प्रकार से ट्रेनिंग गाँव ग्रामीण क्षेत्र में हो सकती है। इसके अंदर अभी हमारे साथ 200 किसान जुड़े हुए, जिसमें 95% महिला किसानों की भागीदारी है। तो उन किसानों में रियासी में एक हमारा समूह है जो सीजी कार्य कर रहा है, स्वयं सहायता समूह, उसका है जय देव भूमि स्वयं सहायता समूह, जो यहाँ पर फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य शुरू कर रहा है जी। तो उसके अंदर अभी वो अचार और जो स्थानीय उत्पाद है उनसे अचार तैयार कर रहे हैं और जूस तैयार कर रहे हैं, जैसे बुरास का जूस तैयार कर रहे हैं।
पिछले दिनों जनपद पिथौरागढ़ की ग्राम सभा बल्थी के टोंग देवी बगड़ ने चार परिवारों के घर के ऊपर पत्थर आने के कारण उन्हें प्राथमिक विद्यालय देवी बगड़ में शिफ्ट किया गया है। डीडीहाट यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम दानू ने जिलाधिकारी से मांग करते हुए प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री देने की मांग की। वहीं इस पर शुक्रवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर देवी बगड़ में सामूहिक निरीक्षण किया गया, जिसमें तहसीलदार धारचूला, पटवारी मदकोट, सिंचाई विभाग धारचूला, भूवैज्ञानिक टीम, बीआरओ, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वकर्मा और यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम दानू आदि मौजूद रहे। तो यह थी आज की हमारी फटाफट न्यूज। ऐसी ताजातर खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।